फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी पॉइंट को और इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और डेली न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके कोस्ट गार्ड के डाउट को लेकर, देखिए इस वीडियो को आपको लास्ट शुरू से लेकर अंत तक देखना है क्योंकि इसमें हम इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी से आपको तैयार करने हैं। बाद में मत बोलना कमेंट में कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि सभी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यदि आप बोल रहे हैं कि जेरोक्स चलेगा, बिल्कुल जेरोक्स फोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलेगा, वहाँ पर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। फर्स्ट टाइम यह है। यदि आपके पास अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका आधार कार्ड, उसके बाद होना चाहिए आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपका डोमिसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ओबीसी एससी एसटी से हैं। ध्यान देना इस बात पर कि फर्स्ट तो आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट और उसके बाद आपके डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, वो सेंट्रल भी होना चाहिए और वो स्टेट भी होना चाहिए, ध्यान रख लेना। अब बोल रहे हैं कुछ लोग कि कहाँ पर बनवाएं, तो ये बनवाना पड़ेगा आपको ई मित्र पर। अब भी आपके पास टाइम है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन नहीं, मुश्किल से यदि आपको दोनों बनवाने हैं तो 15 दिन बनेंगे। एक स्टूडेंट का कमेंट ये भी आया कि सर ई मित्र क्या होता है, तो देखिए ई मित्र सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो इसका मुझे आंसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कैफे बोल दो, कहीं भी जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वहां पर आपको जाकर अब भी बनवा लेना है। मैं आपको लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, कई स्टूडेंट को नहीं पता। फिर बता रहा हूं, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट है, दोनों होना चाहिए। यदि आपके पास एक भी नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में एंट्री भी नहीं मिलेगी, वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट है, सर पेपर हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पेपर ओनली इंग्लिश में होगा। किस में होगा? इंग्लिश में होगा, हिंदी बिल्कुल भी नहीं चलेगी वहाँ पर, ध्यान देना हिंदी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसलिए अपनी प्रिपरेशन अभी से इंग्लिश में कीजिए, हिंदी बिल्कुल भी नहीं होगी कोई सा भी आपका एग्ज़ाम सेंटर हो। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार नहीं किए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी से तैयार कर लें, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हैं और वो वहाँ पे उनको एंट्री भी नहीं मिलती है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। स्टेट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आपका 3 साल से पुराना है तो वो भी नहीं चलेगा, जिसका 3 साल से पुराना है वो भी अपना बनवा लीजिए एग्ज़ाम टाइम पर। देखिए कई स्टूडेंट्स के 2 ईयर और 9 मंथ का हो गया, मेरे हिसाब से तो वो भी बनवा लीजिए क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तो वो 3 साल कंप्लीट कर चुका होगा, मैं भी आपको वहां से आउट किया जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी। और बहुत से स्टूडेंट का था डोमिसाइल क्या होता है, ये होता है आपका मूल निवास कि आप कहाँ पर रहते हो, उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपको बनवाना होगा। तो ये थी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यदि अब भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपके सभी डाउट्स, जो भी डाउट्स है आपके लीगल होते हैं, सभी डाउट्स का आपको आंसर है वो दिया जाता है, वरना चैनल्स में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। मैं आपके सभी डाउट्स का आंसर है जितना हो सकता है सभी का देता हूँ। तो यही सूचना थी मेरी आपके लिए, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।